स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में अनुपात और समानुपात से जितने भी टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5:8 बराबर 150 अनुपात यक्स तो यक्स का मान है। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है 5:8 बराबर 150 अनुपात x दिया गया है और हमसे x का मान पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, 5:8 का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे होता है, तो 5/8 हो जाएगा। ठीक है, 5/8 बराबर 150 अनुपात का मतलब बटे होता है, तो बटे कर देंगे x हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, x का गुणा इस तरफ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स का गुणा इसमें करेंगे और 8 का गुणा 150 में करेंगे, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 गुणे 8 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काटेंगे 150 को 30 बार में। ठीक है, 30 गुणे 8 आ गया, यानी यहां से यक्स का मान क्या आएगा, तो 8 + 24 हो गया और 0 हो गया। यानी दोस्तों यक्स का मान क्या आएगा, तो यक्स का मान 240 आएगा और दोस्तों यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 8:25 समानुपात 56:x में यक्स का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8:25 समानुपात, ठीक है यह समानुपात है, 56:x दिया गया है और आपसे इसमें यक्स का मान पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 8:25 का मतलब क्या होता है, बटे होता है, तो 8/25 हो जाएगा। समानुपात का मतलब दोस्तों बराबर होता है। ठीक है, समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 56 हो गया, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है और बटे यक्स हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इस तरफ, इसका गुणा इसमें। ठीक है, 8 का गुणा यक्स में करेंगे तो 8x हो जाएगा बराबर 56 × 25 हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 8 * 8 = 56 हो जाएगा, तो यक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 7/25। तो 7 में 25 का गुणा करेंगे तो दोस्तों यक्स का मान क्या मिलेगा, 7/25 यानी 175 मिलेगा। ठीक है, 175 मिलेगा, यानी यक्स का मान क्या आएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 175 और यही दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। देखिए आसानी से सॉल्व करेंगे, क्या दिया गया है, ए का 2/3 भाग। ठीक है, ए का मतलब गुणा होता है, तो गुणा कर देंगे, ए का 2/3 भाग बराबर है दोस्तों किसके, बी के 4/5 के भाग के बराबर है। ठीक है, बी के 4/5 भाग के बराबर है। ठीक है, तो बी के यानी गुणा हो जाएगा 4/5 भाग के बराबर है, यानी ए का 2/3 भाग बराबर है बी के 4/5 भाग के बराबर है, तो यहाँ से हमें ए अनुपात बी बताना है। देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 * 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बी गुणे में है, इस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ए बटे बी हो गया इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 3 क्या है, भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी 3 × 6 हो जाएगा बटे 5 हो गया। ठीक है, देखिए ए बटे बी यानी ए अनुपात बी। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, 6/5 यानी 6/5। ठीक है, तो ए अनुपात बी का मान क्या आएगा, 6/5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे सरल बनाइए। देखिए दोस्तों मिश्रित भिन्न में अनुपात दिए गए हैं, आपको इसे सरल अनुपात के रूप में बदलना है। ठीक है, इस प्रकार बदलना है। देखिए आसानी से सॉल्व करेंगे, क्या है, 2 = 1/3, 3 = 1/4, 1 = 1/6, ये सभी मिश्रित भिन्न में है, तो सबसे पहले इन्हें हम सरल भिन्न में बदलते हैं। तो 3 × 6 = 7/3 हो जाएगा, अनुपात हो गया, 4 × 3 = 12, 1 = 13/4 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 6 * 6 = 7/6,
जब भी दोस्तों अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया गया हो, भिन्न के रूप में दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, जो हर होगा ठीक है, हर का आप एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4 और 6 का आप निकालेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिसमें 3 से भी भाग चला जाए, 4 से और 6 से। तो एलसीएम इनका क्या निकल कर आएगा, 12 निकल कर आएगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 12 होगा, और यही 12 क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, 7/3 है जो एलसीएम आएगा उसका आप गुणा कर देंगे इन फ्रैक्शन के साथ, इन भिन्नों के साथ। तो एलसीएम क्या आया है, 12 आया है, अनुपात हो गया 13/4 हो गया, एलसीएम 12 आया है तो इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अनुपात क्या हो गया, 7/6 × 12, ठीक है 12 से हम गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 3, 3 × 4 = 12, तो 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा। अनुपात हो गया देखिए 4 × 4, 4 × 3 = 12, 13 × 3 का गुणा करेंगे तो 13 × 3 = 39 हो गया। ठीक है, अनुपात क्या हो जाएगा, 6 × 6, 6 × 2 = 12, यानी 7 × 2 = 14 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसका सरल अनुपात क्या आएगा, तो 28:39:14 आएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3x - y अनुपात x + 5y = 5:7 तो x + y = x - y का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3x - y ठीक है, अनुपात है, अनुपात यानी बटे हो जाएगा, x + 5y = 5 अनुपात है तो बटे हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पहले दोस्तों हम x और y के मान को निकालते हैं यहाँ से, ठीक है इसमें हम रख देंगे तो मान आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 में करेंगे तो 7 × 3 = 21, x - 7 × y में करेंगे तो 7y हो जाएगा, x + 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5y + 5 में करेंगे तो 25y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो 21x - 5x हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 25y प्लस, यहाँ माइनस है इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा 7y हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16x हो गया इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 32y हो जाएगा। ठीक है, 16 × 16, 16 × 2 = 32, यानी x = 2y आएगा। ठीक है, यहाँ से x/y निकालेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 2/1 मिलेगा। ठीक है, यानी x का मान क्या हो जाएगा, तो x का मान 2 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x = 2, y = 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, इसका मान निकालना है तो x की जगह पर 2 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे, तो x की जगह पर हम 2 रखते हैं और y की जगह पर 1, तो प्लस करके 1 लिख देंगे। ठीक है, अनुपात हो गया, x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 हो गया, माइनस y की जगह पर हम 1 रखेंगे तो 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो गया, अनुपात 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहां से आंसर क्या निकल कर आएगा, x + y अनुपात x - y का जो अनुपात आएगा क्या आएगा, 3:1 आएगा, और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2x + 3y अनुपात 3x + 5y = 18:29 हो तो x/y किसके बराबर होगा। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या दिया गया है, 2x + 3y अनुपात 3x + 5y, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y, ठीक है, अनुपात है तो बटे कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3x + 5y = 18/, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम दोस्तों x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 का गुणा हम 2 में करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 58x हो गया। ठीक है, प्लस 29 का गुणा हम 3 में करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 87 होगा, और y हो गया = 3 × 18 में करेंगे तो 18 × 54 x हो गया, प्लस 18 × 5 = 90 y हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 58x में से
54 एक्स को घटाएंगे तो 4 एक्स बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ 90 वाई है, 90 वाई में से घटाएंगे दोस्तों 87 वाई को तो क्या बचेगा, 3 वाई बचेगा। ठीक है, यहाँ से एक्स बटे वाई पूछा गया है तो दोस्तों यक्स यहाँ देखिए वाई गुड़े में है इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ यक्स में 4 का गुड़ा है इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी दोस्तों यक्स बटे वाई का मान क्या आएगा तो 3/4 आएगा, और दोस्तों यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि यक्स बटे 5 बराबर वाई बटे 7 तो यक्स माइनस 10 अनुपात वाई माइनस 10 बराबर है। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है, यक्स बटे 5 बराबर वाई बटे 7। ठीक है, यहाँ से हमसे पूछा गया है यक्स माइनस 10 अनुपात वाई माइनस 10। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 5 भाग में है इस तरफ जाएगा तो गुड़े में हो जाएगा, तो यक्स यहाँ देखिए वाई क्या है गुड़े में है इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी यक्स बटे वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। ठीक है, यानी यक्स का मान क्या होगा तो यक्स का मान 5 होगा और वाई का मान क्या होगा तो वाई का मान 7 होगा। हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, यक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो 5-10 हो जाएगा। ठीक है, 5-10 हो गया। ठीक है, अनुपात हो जाएगा वाई की जगह पर 7 रखेंगे तो 7-10 हो गया। ठीक है, 5 में से 10 को घटाएंगे तो -5 हो जाएगा, अनुपात 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल क्या मिलेगा 5/3 मिलेगा, और दोस्तों यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है। ठीक है, यानी 5/3 यही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a बटे b बराबर c बटे d बराबर e बटे f बराबर 3 हो तो इसका मान क्या होगा। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे, क्या दिया गया है a बटे b बराबर c बटे d बराबर e बटे f बराबर 3 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर हम a का मान निकालेंगे तो a का मान क्या मिलेगा, b का गुणा हम 3 में कर देंगे तो 3b मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम c का मान निकालेंगे तो c बराबर क्या मिलेगा, d का गुणा 3 में करेंगे तो 3d हो जाएगा। ठीक है, e का मान निकालेंगे तो e बराबर क्या मिलेगा, f यहाँ भाग में है इस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी 3f मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम a b c और e की जगह पर दोस्तों हम इसका मान रख देते हैं इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 है, 2 रखेंगे, a की जगह पर क्या रखेंगे तो दोस्तों a की जगह पर हम 3b रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे 3b, तो 3b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस देखिए 3 है तो 3 रखेंगे, c की जगह पर क्या रखेंगे 3d, तो 3d का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 4 हो गया, e की जगह पर क्या रखेंगे 3f, तो 3f का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बटे दोस्तों क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से 2 हो जाएगा गुणे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 हो गया गुणे दोस्तों क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9d स्क्वायर हो गया प्लस 4 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा गुणे 9f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे दोस्तों क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन यहाँ हमें 9 मिल रहा है। ठीक है, तो 9 को हम कॉमन कर लेंगे, 9 कॉमन मिल रहा है ना, तो 9 को हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों यहाँ से 2b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। ठीक है, तो 4f स्क्वायर हो गया, बटे नीचे दोस्तों क्या है 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर हो गया प्लस 3d स्क्वायर, तो 3d स्क्वायर हो गया प्लस 4f स्क्वायर, तो 4f स्क्वायर हो गया। देखिए दोस्तों ऊपर और नीचे समान है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 9 बच गया, यानी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसे सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसे आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।